बोकारो के बारी कोऑपरेटिव कॉलोनी के गर्गा नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में 12 वर्षीय बच्चे फैजान अहमद की बहने की खबर कल सामने आई थी। वहीं आज एनडीआरएफ रांची की टीम खोजबीन के लिए बोकारो पहुंची है। बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। वहीं फैजान मकदमपुर मिन्नत नगर निवासी अपने 5 दोस्तों के साथ नदी में नहाने आया था। नहाने के दौरान छलांग लगाने के क्रम में पानी के तेज बहाव में वह बहता चला गया। बता दें कि बच्चे की खोजबीन जिला प्रशासन के स्तर पर की गई थी, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने रांची एनडीआरएफ की टीम को बोकारो बुलाया है। देखिए, जैसा कि हमें जो है यहाँ के डीडीएमओ के द्वारा जो मैसेज दिया गया था, उसके अनुसार हम लोग जो है यहाँ पे आए हैं उनके रिक्वेस्ट के आधार पे। और जैसा मैसेज मिला था कि बच्चे लोग स्नान कर रहे थे और स्नान करने के दौरान जो है एक बच्चा जो है मिस हो गया है, तो उसी के रिकवरी के लिए जो है हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमारी एक टीम जो है काम कर रही है, जिसमें 2 टीम ड्राइवर हैं। जहाँ भी विक्टिम को गड्ढे खाई वगैरह में या जो आप लोग खदान जिसको बोलते हैं, जहाँ फंसे होने की संभावना है, वहाँ पे हमारा टीम ड्राइवर जो है पानी के नीचे जाएगा और जो है जो भी वहाँ पे होगा अपनी तरफ से जो है करने का प्रयास करेगा। हमारी टीम जो है सवेरे 8:30 बजे से जो है लगातार कार्रवाई में लगा हुआ है। और इसमें परेशानी की बात है कि जहाँ तक पानी का लेवल जो है जैसे ठीक नहीं है, और दूसरी बात है कि पहाड़ी नदी है। पहाड़ी नदी में क्या होता है कि हमारे बोट और रेस्कुअर दोनों को नुकसान होता है। अरे, जो हमारे बोट को चलाने के लिए मिनिमम 3 फीट पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कहीं कहीं जो है आपका पहाड़ होने के कारण, पत्थर होने के कारण हमारा बोट जो है नहीं चल पा रहा है। और रेस्कुअर को भी उसमें पानी में करेंट होने के कारण, पतली नदी होने के कारण पानी में काफ़ी करेंट है, जिससे क्या है कि रेस्कुअर एक जगह कहीं स्थायी रूप से स्टेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एक जो है एक टीम है, लेकिन 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 16 की टीम है, 2 भागों में डिवाइड किया गया। दोनों टीम जो है अपने अपने लोकेशन में ये वो असाइन टास्क पूरा कर रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।